दोस्तों, भारत को वर्ल्ड कप का मैच जीतने के लिए आखिरी में 200 रन बनाने थे, लेकिन आखिरी में आकर फंस गया ये पूरा मैच। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह अकड़ बना रखी थी। खास करके भारत के स्पिनर गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह कहर बरपा दिया था और भारत का सभी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करा, जहां दोस्तों भारत के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका ही 5 रन के स्कोर पर देकर मिचेल मार्श को आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों पहला झटका जसप्रीत बुमराह ने दिया था, हालांकि इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूरी टीम लड़खड़ा गई, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दूसरा झटका ऑस्ट्रेलिया को 74 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने देकर डेविड वार्नर को आउट कर दिया था और वो 41 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका देकर स्टीवन स्मिथ को क्लीन बोल्ड मार दिया और स्मिथ 46 रन बनाकर आउट हो गए, जहां इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद एक विकेट गिरने चालू हो गए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जडेजा ने एक के बाद एक मार्नस लबुसेन और एलेक्स कैरी को आउट कर दिया था, जहां मार्नस लबुसेन 27 रन बनाकर आउट हो गए थे तो एलेक्स कैरी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। हालांकि इस मैच में सबकी उम्मीदें मैक्सवेल पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव ने मैक्सवेल को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों मैक्सवेल केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने कैमरन ग्रीन को भी आउट कर दिया और ग्रीन 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद आखिरी में आकर मिचेल स्टार्क और कप्तान पैट कमिंस ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन पैट कमिंस को भी जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया और दोस्तों पैट कमिंस 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी झटका 199 रन की स्कोर पर देकर मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया था और स्टार्क 28 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे, जहां भारत के सभी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए और भारत की तरफ से जडेजा को 3 विकेट हाथ लगी थी और 10 ओवरों में 2 ओवर मेडल डालकर 23 रन दिए थे और उन्हें 3 विकेट हाथ लगी थी। तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन को एक एक विकेट मिला था। अब दोस्तों भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 200 रन बनाने थे और इसके बाद जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन पहले ही गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में मिचेल स्टार्क की गेंद का शिकार बन बैठे और वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में हेजलवुड ने भारत को 2 बड़े झटके देकर कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया था और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे और दोस्तों भारत के 3 विकेट केवल 2 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दोस्तों भारत की हालत इस मुकाबले में पूरी तरह खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से ये मैच फिसलता जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली और केएल राहुल ने कमाल का प्रदर्शन करा, तब उन दिनों के शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत की टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ठेल दिए, जहां पहले विराट कोहली ने कमाल की बैटिंग करते हुए 75 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए, तो इसके बाद केएल राहुल ने भी 72 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर लिए और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में उनके जबरदस्त वापसी करवाई और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए चौथे विकेट के लिए 165 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी और दोस्तों विराट कोहली अपने शतक की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों 167 रन के स्कोर पर जस हेजलवुड की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो बैठे और विराट कोहली दोस्तों 85 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या उतरे थे और पांड्या भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया था। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी कमाल का शॉट खेला और उन्होंने भी एक बड़ा छक्का मार दिया था। इसके बाद भारत की टीम यह मुकाबला जीतने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और इसके बाद केएल राहुल ने 41 ओवर के दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर इस मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत दिलवा दी और दोस्तों केएल राहुल 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और वो अपने शतक से 3 रन दूर रह गए और हार्दिक पांड्या ने भी 11 रन बनाए और भारत की टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच 6 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।